अब आइए मिलते हैं उनसे जिनको आइडिया ही नहीं है कि सात समुंदर पार उनका कितना डिमांड हो गया। अपने बैंड का पहला मेंबर पेपर, पैसे आते हैं इसलिए पेपर डालता है, और मजा आता है इसलिए धापी बजाता है। वैसे बजाता तो पेपर का बाप भी है, और उसका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है पेपर। पेपर की माँ लेडी आलोकनाथ, इसकी बस एक ही डिमांड है, पिन जैसी, साइज में छोटी है लेकिन टोचन में बड़ी। बेटा पानी लेके आना। दिन हो या रात, ये चिकने, धूप हो या बरसात, डिसेंट्री हो या बुखार, मातम हो या त्योहार, इंडिपेंडेंस डे हो या लव डे, पेपर एक ही जगह मिलता है, पानी की लाइन में। इसीलिए पेपर का सिर्फ एक ही सपना है, डॉक्टर, सब इंस्पेक्टर, टीवी एंकर, खुद का टैंकर। ग्रीस, बोल। ग्रीस, हाँ बोल। ग्रीस, अरे बोलना। कहाँ है रे? इधर ही तो खड़ा हूँ, चिढ़ा था इस साले। ग्रीस, सेकंड मेंबर ऑफ द बैंड, इसे इंग्लिश आती है ए टू एम। टू स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। दो चीजों के साथ ग्रीस की ट्यूनिंग जम गई है, पहला इंजन और दूसरा ड्रम। लेकिन अपने दूसरे टैलेंट से ग्रीस को शर्म आती है। कालिक से घिरे हुए ग्रीस का एक ही सपना है सफेदी, सफेद दीवार, सफेद सोफा, सफेद टेबल, सफेद कबर्ड, लैंप, फोटो, चेयर, पैंट, शर्ट, गॉगल, घड़ी, सब कुछ सफेद ही सफेद। चल निकलेंगे रे सीधा डायरेक्ट अड्डे पे। क्या ग्रीस भाई, कैसे हो? सफेदी, ग्रीस भाई, चलो ना। मराठी में शहनाई को वाजंत्री बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वाजा। अपना थर्ड मेंबर। नॉर्मली एक शादी में सबसे दुखी होता है लड़की का बाप, फिर उसकी माँ, फिर उसका एक्स लवर, और फिर लड़की। लेकिन इन सबसे ज्यादा दुखी होता है वाजा। अभी वे वाजा, छोड़ रे, चल। मगर वाजा का यही थोपड़ा देखने लायक होता है जब वो ताशा बजाता है। वैसे वाजा का भी एक सपना है, उसने सुना है कि हवाई जहाज में सीट के ठीक ऊपर एक बटन होता है जिसको दबाने से खूबसूरत लड़की धीरे धीरे सीधे आपके पास आती है और जो बोलो वो देती है। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं रेडी है। दारू की गिर गया रहेगा। इसे गिर गया क्या? ये है अपने बैंड का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर। इसका हाथ आदमी पे पड़े तो आदमी हिल जाता है, और अगर बैंजो पे पड़े तो भी आदमी हिल जाता है। बैंजो की दुनिया का बच्चन तराट। कॉरपोरेटर पाटिल के लिए हफ्ता वसूल करता है, लेकिन आज तक अपने हिस्से की इज्जत वसूल नहीं कर पाया।